दोस्तों आज के इस वीडियो में 5 पिन सॉकेट, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें 3 पिन ही दिख रहा है आजकल। दोस्तों 5 पिन सॉकेट में हर कंपनी ने 3 ही पिन देना शुरू कर दिया है, 1, 2, 3। पहले क्या होता था कि यहाँ पे 2 छेद और रहती थी, बट अब वो बंद हो गया है। और ये दोस्तों एंकर का 5 पिन सॉकेट है, और एंकर एक अच्छी कंपनी में माना जाता है। अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक आपका 5 पिन सॉकेट ख़राब ना हो, तो आप एंकर का यूज कर सकते हो। ऐसे मैं किसी कंपनी का प्रोमो नहीं कर रहा हूँ, बट एंकर है अच्छा, इसमें दो राय नहीं है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे LN लिखा हुआ है, और ये है ग्राउंड, LNG आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये एक छोटा सिंगल 5 पिन सॉकेट के लिए बोर्ड है, प्लास्टिक बोर्ड, इसी में हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह से फिट कर लेना है। और दोस्तों एंकर का जब आप स्विच लोगे या फिर 5 पिन सॉकेट लोगे, तो उसमें आपको कंपनी की ओर से ही नट बोल्ट मिलेगा, बट उसमें वाशर नहीं रहता है। तो मैंने 2 वाशर अलग से लिया है, और वाशर सेट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्लास्टिक के बोर्ड में अगर मैं वाशर नहीं रहता हूँ तो जल्दी टूट जाएगा। वाशर रहने से क्या होता है कि थोड़ा सा इस पर सपोर्ट मिलता है और जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है। तो एक एक वाशर डाल देते हैं, और इस तरह से इसके ऊपर फिर हम हाथ से थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, हाथ से थोड़ा सा अंदर तक कर लेंगे, उसके बाद हम पेचकस से टाइट करेंगे। दोस्तों वीडियो बिल्कुल बिना कट का बनाया है, तो अब इसे, और इसमें अब बारी आती है कनेक्शन करने की। तो ये देखो, ये इसमें तो कनेक्शन का पॉइंट दिया गया है, और ग्राउंड सेकेंड साइड है, यहाँ पे LN यानी लाइन और निगेटिव। तो इसके लिए हमने ये हैवी वायर लिया ताकि ये ज़्यादा लोड उठा सके। तो इसमें रेड और एक ब्लैक ऑलरेडी है, तो इसे इस तरह से सेट करेंगे। इसमें कनेक्शन का पॉइंट तो दोस्तों ऊपर से है, यानी अपोजिट साइड से है। पहले क्या होता था कि नीचे से रहता था, तो हम लोगों को आसान होता था फिक्स करने में, बट कंपनी ने ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि ऊपर से कनेक्शन रहना तो मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि ऊपर यदि कनेक्शन रहेगा तो थोड़ा बहुत धूल कण इसमें अंदर जाएगा। बट कंपनी ने दिया है तो भाई इस पर कुछ बात नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से इसमें वायर को डालेंगे और टाइट करेंगे, इसे टाइट करेंगे इस तरह से। और ये तो सिर्फ मूव कर रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, बट एक बार फिर से देखते हैं टाइट करके हो रहा है कि नहीं टाइट। इसे कई बार हमने मूव कर लिया, बट ये टाइट नहीं हो रहा है, जरूर कुछ बात है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मोटा वायर देना पड़ेगा, और थोड़ा सा नट को ज़्यादा टाइट ऑलरेडी कर देते हैं, जब जगह कम बचेगा तो उसमें वायर डालेंगे। और दोनों को हम लोग ऐसा ही करेंगे। ये हो गया, अब इसमें प्लस माइनस वायर को डालेंगे, इसे फोल्ड करके थोड़ा मोटा करेंगे ताकि यहाँ पे स्पेस कवर हो सके। और ये हो गया, और इसे भी इसी तरह करेंगे। हमने इसे इंटर कर दिया, और ये नट से कस देंगे। इसका जो वायर कनेक्टिंग का जो ऑप्शन दिया गया है बेहद अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी कनेक्शन लूज होने का चांस नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, और ये एक अच्छी ब्रांड है। और दोस्तों यहाँ 4 नट देंगे, और कनेक्शन तो हो ही गया, अब यूज करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।